Dr. Jakir Naik, Assalamu Alaikum. Walaikum Assalam. I am Dr. Ramkishan Bharti, IT social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I'd like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the time, the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islam, Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाजत नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप लोग, आप अपनी वालदेन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है, जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहां तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा, इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूं, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कि जहां तक के फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब मां की जान अगर खतरे में है। If the mother had multiple cesarean section, मां को कई cesarean section हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे मां को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो मां की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस टाइम, क्योंकि मां की जिंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्परेरी मेथड में है, टेम्परेरी मेथड, और सबसे कॉमन टेम्परेरी मेथड है जो कॉपर टी है, जो आप जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कॉपर टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें पढ़ाया जाता था कॉपर टी इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। कॉपर टी क्या करती है, जायगोट इज ऑलरेडी फॉर्म, द ओवम and the sperm has already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall. So it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. So copper tea mein contraception nahi hota hai, contra implantation hota hai. If you let your imagination go a bit ahead, it is nothing but early abortion, jo haram hai. Wo abortion hai, lekin early abortion hai, contra implantation. So bahut se musalman अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते, जो बिल्कुल हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्परेरी मेथड में है, बाकी के टेम्परेरी मेथड, कॉन्डम्स एटसेट्रा। बट मेरा सवाल यह है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं, यह सवाल है, सबसे अहम सवाल। और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो, सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक ग्रुप, क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मैं बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो यू नो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं जरा 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद दूंगा। ये दो वजह हो सकते हैं।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालदेन की पांचवी औलाद हूं, पांचवी औलाद, फिफ्थ। अगर मेरे वालदेन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। एम आई ए बून और अ बेन फॉर सोसाइटी? क्या मैं माशरे पे बोझ हूं के फायदेमंद हूं? और लोग कहते हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है, अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वो पेशा छोड़ के और अच्छे पेशे के लिए आया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौला मिम्मन दअ इलल्लाह व अमिल सालिहा व कौला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कौन वो शख्स है बात करने में बेहतर? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो मैंने मेरे डॉक्टरी पेशे को छोड़ दिया और बेहतरीन पेशे के लिए। अगर मेरे वालदेन मेरे वालिद और वालदा, माँ और बाप फैमिली प्लानिंग करते तो मैं दुनिया में नहीं आता था। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे मैंने कहा दो चीजें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सलूशन है ज़कात। जैसे मैंने कह चुका हूं मेरी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएगी, कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक मल्थ्यूसियन थ्योरी थी। आप जानते हो मल्थ्यूसियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज बीन डिसप्रूव्ड। ये आप देखेंगे ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का, पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000, 15,000, 20,000, जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा, आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं, वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास। क्या गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है? तो हम कहते हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है, एक सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में, पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में, आपको भी रिज़्क़ देगा आपके बच्चे को भी देंगे। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती, पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे आपके बच्चे को भी, दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो यह पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे है, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा बच्चा भी मरूंगा, अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे आपके बच्चे को भी। वो दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूं कि यू नो 3-4 साल बाद मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो, तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है आपको भी देता है। ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड।
और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे अपने वालदेन के नोबेल प्राइज मिला। तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुबहाना ताला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 कि मां ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टरों ने के नाते जानते होंगे कि जब मां अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अम्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुबहाना व ताला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं मानते क्योंकि उनका फिगर खराब होता है। सबसे अच्छी चीज बच्चे के लिए मां का दूध, कोई भी नेस्ले कोई भी मिल्क पाउडर उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। तो अल्लाह हैज गिवन नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं जानता हूं कि ये 100% सेफ नहीं है, इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्ला वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने एक प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुबहाना व ताला ने भी प्लान किया। और अल्लाह सुबहाना व ताला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में। अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली आपको पूरी इजाजत है, आप समझते कि अल्लाह ताला आपसे बेहतर कर सकता है, तो अल्लाह पे छोड़िए।